हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. एंड जस्ट अ लिल अपडेट अबाउट दिस दिवाली. दिस दिवाली इज़ यू नो बहुत ही अजीब है, क्योंकि आई एम इन फीवर सिंस लास्ट टू डेज. एंड फीवर भी ऐसा वैसा नहीं है, डेंगू हो गया है. तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, वरना मैंने बहुत सारी प्रिपरेशंस की हुई थी DIYs करने के लिए, एंड बहुत कुछ करना था, बट मेरा शरीर इजाज़त नहीं दे रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही हूँ. इवन चलने में भी मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ मैं इस टाइम. तो आई डोंट नो इफ दिस दिवाली व्लॉग विल बी यू नो ह्यूज फॉर यू ऑल, बट फिर भी मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी जैसा जैसा करते जाऊँगी, जितना जितना मुझसे होता जाएगा. एंड आई विल पोस्ट दिस व्लॉग फॉर श्योर. तो लेट्स होप, आई एम होपिंग कि कल तक मैं ठीक हो जाऊँ. आज 22 अक्टूबर है और 20 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब है. 20 तारीख से आई एम डायग्नोस्ड बाय डेंगू फीवर, एंड दिस इज़ वाई जो भी हो रहा है. फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जितना भी हो सके मुझसे मैं करूँ और उसकी वीडियो भी शूट करूँ एंड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. तो प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में. तो ये देखो मम्मी, आपका सामान आ चुका है. ये मम्मी मम्मी की फरमाइश पे आया ये सामान. मम्मी टाइम से चला मम्मी छोटू ले आया. हम लोग बड़ी वाली लाए, दाई ने बोला हम लोग घर में आके खेलेंगे. हां बढ़िया है, मुझे ये बड़ा मस्त लगा है. अब मैं इसमें वो बनाऊंगी बच्चों के लिए प्लेटर. हाँ, वही तो बोली मैं, चाइनीज प्लेटर बनाऊंगी. जय हिंद गाइस, कैसे हो आप सब? विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली. मे बी कि आपका आने वाला साल और भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा जाएगा. एंड दिवाली हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब सारे ही त्यौहार, बट दिवाली थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि है बहुत सारी यादें जुड़ी हुई. फिलहाल उस पर बात नहीं करते हैं. मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दिवाली का व्लॉग जो था, जिस तरीके से शूट होना था उस तरीके से हो नहीं पाया है, क्योंकि आप सबको पता ही है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आई एम नॉट वेल, आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर. एंड डेंगू फीवर में ये होता है कि आप चाहते बहुत कुछ हो करना, पर आपका शरीर उसकी इजाज़त नहीं देता है, जो मेरे साथ हो रहा है. मेरे पैरों की हड्डियाँ, मेरे हाथों की हड्डियाँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि गली जा रही है. एंड होता है, थोड़ी सी वीकनेस अभी रही है मुझे. तो थैंक टू रीना नानी जो आए और उन्होंने पूरा घर संभाला है, मतलब एक तरीके से साफ़ सफाई से लेकर किचन का काम, बहुत सारे काम होते हैं और ख़ासकर त्यौहार पे काम दुगने हो जाते हैं. तो अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि हमारा ये सब कुछ भी हो पाता. थोड़ा बहुत जितना मुझसे हुआ कल के दिन, मुझे थोड़ा ठीक लगा था, तो कल मैंने उठ के थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी, थोड़ी डेकोरेशंस करी, बट जब मैं सो के उठी सुबह तो मेरा पूरा शरीर टूट चुका था एंड फीवर था बहुत ज़्यादा, 102 103 फीवर था मुझे. तो आज दिवाली के दिन पे मैंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली नहीं, सिर्फ मंदिर बनाया, रंगोली बनाई है, बाकी सारा काम रीना ने किया है. तो थैंक यू नानी, हमेशा थैंक यू आपका.
और अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और व्लॉग उस तरीके से तो शूट नहीं हो पाया, पर हाँ छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट करी है, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड होपिंग कि इस व्लॉग को भी आप उतना ही प्यार देंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग में, छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। तो गाइज अभी हम आ गए हैं छत पर, और पहले भी पटाखे फोड़े थे बट उसकी क्लिप थोड़ी सी बनी थी, तो अभी हम रॉक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने कौन सा बम फोड़ना है? तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं, रात के बज चुके हैं 11, अब सोने का टाइम हो चुका है। वैसे सोने का टाइम काफी पहले हो चुका था, पर पटाखे चलाने के चक्कर में हम दोबारा से ऊपर चले गए थे, तो टाइम हो चुका है 11:10 का, और अब हम सो जाएंगे थोड़ी देर में। आई होप कि आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल शेफ बाय। हाँ, बने रहना। हैप्पी दिवाली।